चीफ जस्टिस पाकिस्तान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का नोटिस लें। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने अपील कर दी। परवेज़ इलाही का बयान पर इजहार मजम्मत करते हुए कहा, अगर परवेज़ इलाही को कुछ अरसा पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज पंजाब के हालात ऐसे ना होते। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनके साथ ऐसा रवैया नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए था। जब ये चीफ मिनिस्टर थे ना, इनका दौर कितने का, 2002 से 2007 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चीफ मिनिस्टर पंजाब, अगर उस वक्त इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता ना तो आज पंजाब का ये हाल ना होता। मैं इस बयान की मुज़म्मत करती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इस मौके के ऊपर मेरे और मेरी फैमिली के सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं। किसी को ख्याल नहीं है इस तरह के बयान दे रहे हैं, या इन लोगों ने सिर्फ अपनी सियासत कर रही है बैठ के। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 मॉर्चर को भी देखेंगे पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।